हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास चुनावी पेशकश यूपी किसकी में। आजाद कैसे लेंगे अपमान का इंतकाम, किसने दिया योगी को अपने गुणसूत्र की जांच कराने का चैलेंज, पीएम मोदी ने क्यों करवा ली इंटरनेशनल बेइज्जती, बहन जी को मिला किन पार्टियों का साथ, और किस उम्मीदवार की बिकनी पिक्चर्स पर हुआ विवाद, और क्यों फूट फूट कर रोए नेताजी। यूपी चुनाव की दिन भर की पॉलिटिकल अपडेट्स लेकर मैं सुमित चौहान आप सबके सामने हाजिर हूँ, खबरें भी और विश्लेषण भी। तो आइए जानते हैं यूपी चुनाव पर आज दिन भर की टॉप 10 खबरें। पहली खबर, अकेले चुनाव लड़ेंगे आजाद। आज की पहली बड़ी खबर तो ये आई कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच गठबंधन नहीं हो पाया। आजाद ने अब अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब नहीं होगा अखिलेश और आजाद में गठबंधन। हम अपनी मेहनत से विकल्प बनेंगे और हम किसी के सहारे नहीं रहेंगे, हम सहारे रहेंगे अपनी मेहनत के। अब अकेले ही चुनाव लड़ेंगे आजाद। हमने तय किया है कि आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते। अखिलेश यादव पर जमकर बरसे आजाद। मैंने बंद कमरे की बात को बाहर नहीं लाया था, लेकिन ये गलती इनके द्वारा हुई है, चुनाव के बाद उनको इस बात का पछतावा होगा, मेरा वादा। चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश के बीच गठबंधन को लेकर चल रही खींचतान का आज अंत हो गया। पहले अखिलेश यादव नानुकुर कर रहे थे और आजाद उनके मानने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज चंद्रशेखर ने साफ कर दिया कि अब गठबंधन नहीं रण होगा। हमने तय किया है कि आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते, जो उन्होंने आज तक काम किया है उस काम के बलबूते, जिसकी लड़ाई आज तक उन्होंने लड़ी है, उन माओं के, उन बहनों के विश्वास के भरोसे, उन बुजुर्गों के आशीर्वाद के भरोसे, बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब की विचारधारा के भरोसे उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाएगी। मैं एक युवा हूं, अगर आज मैं डर जाता हूं, स्थापित नेताओं के सामने घुटने टेक देता हूं, तो मैं समझता हूं कल कोई गरीब युवा हिम्मत नहीं दिखा पाएगा, वो हौसला नहीं कर पाएगा कि वो परिवर्तन के लिए लड़े और वो तमाम तरह की ताकतों के खिलाफ खड़ा होकर अपने देश के बारे में सोचे। आजाद ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे साथ छल हुआ, हम राजनीति में नए हैं, छल को समझ नहीं पाए। आज जो गठबंधन जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है वो कितना खोखला है, बिना दलितों के बात आप अच्छी तरह जानते हैं, तो हम ये समझते हैं क्योंकि पिछले 2 महीने में हमारे साथ छल हुआ, हम राजनीति को समझ नहीं पाए क्योंकि हम नए लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हमारे लिए राजनीति इसी तरह की चीजें थी जिस तरह हम सामाजिक आंदोलन चलाते थे। कुछ लोगों के लिए ये हंसी का विषय भी होगा कि भाई चंद्रशेखर को उन्होंने बेवकूफ बना दिया, किसी और ने बेवकूफ बना दिया। मैं समझता हूँ मेरे जैसे लाखों चंद्रशेखर इस देश में तमाम तरह की गुलामी बेबसी के शिकार, और वो परिवर्तन करना चाहते हैं, बस उनको अवसर की तलाश। तो आज मैं आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश की महान जनता से और बहुजन समाज की माताओं बहनों बुजुर्गों और नौजवान साथियों से कहता हूँ कि हम युवा हैं, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान सम्मान समझौता नहीं करेंगे। आजाद ने अपने 33 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की। उन्होंने कहा कि हमने बुलंदशहर उपचुनाव में खुद को साबित किया और नतीजे आने के बाद अखिलेश को भी पछतावा होगा। हम अपनी मेहनत से विकल्प बनेंगे और हम किसी के सहारे नहीं रहेंगे, हम सहारे रहेंगे अपनी मेहनत के, और ना ही हम किसी स्थापित दल परिवारवाद की राजनीति वालों के आगे झुकेंगे, ना हमने कभी झुकना सीखा, ना हम झुकेंगे। और मैंने इस बार भी मंत्री पद और विधानसभा विधायक के पद को ठोकर मारी है, क्योंकि मेरे लिए दलितों का स्वाभिमान सम्मान, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा बनाया, उनकी उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। अब जो आगे होगा, जैसे आप महाकाव्य में जानते हैं ना, जब युद्ध होता है तो भाई भी भाई के सामने खड़ा हो जाता है, भाईचारा अपनी जगह है और राजनीतिक हिस्सेदारी अपनी जगह है। मैंने अपने नेता माननीय साहब श्री काशीराम से सीखा है कि किसी का वजूद बनाने के चक्कर में अपना वजूद खत्म नहीं करना चाहिए। हमने साबित किया था जब बुलंदशहर उपचुनाव हुआ कि बड़े बड़े दल जो आज अहंकार में हैं, वो तीसरे चौथे नंबर, चौथे पांचवें नंबर पे थे, हम तीसरे नंबर पे थे। हमने आज जो कुछ प्राप्त किया है अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, खैरात में नहीं प्राप्त किया है। और अगर आज युवाओं के इस लड़ाई में मैं कमजोर पड़ गया ना, मैंने फिर कहा कि फिर कोई सत्ता के आगे लड़ेगा नहीं, फिर कोई भगत सिंह नहीं पैदा होगा, फिर कोई उधम सिंह नहीं पैदा होगा। मैं ये भी वादा करता हूं कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो आप देखिए आजाद समाज पार्टी अपनी ताकत मेहनत से ये साबित करेगी, और जब सरकार बनाने के लिए किसी को हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम भाजपा को रोकने के लिए फिर सबकी मदद करेंगे।
अखिलेश ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आजाद पहले 2 सीट पर मान गए थे, लेकिन आज आजाद ने सच्चाई बयां कर दी। जब आप अपनी बात से पलटते हैं ना, तो आप धोखा करते हैं। मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन मैं आज बताता हूँ कि मेरे साथ 25 सीटों पर वार्ता हुई थी। इसके पीछे कारण भी बता देता हूँ। कारण ये था कि इस उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी रिकॉग्नाइज कराने के लिए आपको कम से कम 14 MLA जीतने पड़ेंगे, या फिर आपको 80 लाख वोट चाहिए। तो 14 MLA लड़के 14 MLA नहीं जीते जाते, इसलिए मेरी पहली वार्ता 25 सीटों पे हुई थी और मुझे विश्वास दिला गया था कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। आज मैं एक बड़ी लाइन खींचता हूं, मैं कभी इसका जिक्र नहीं करूंगा। मैंने बंद कमरे की बात को बाहर नहीं लाया था, लेकिन ये गलती जिनके द्वारा हुई है, चुनाव के बाद उनको इस बात का पछतावा होगा, मेरा वादा। वहीं गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर ने आजाद के लिए 2 सीटें छोड़ने का ऐलान किया था। अखिलेश ने आज राजभर के बयान पर गौर करने की बात कही, लेकिन आजाद अब और इंतजार के मूड में नहीं है। आज का समय दिया गया था 18 तारीख तक का, जिन नेताजी के पास मैं गया था कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक दे, तो उनके साथ नहीं जा रहे हैं। इस बात की घोषणा मैंने आज कर दी है कि उनके साथ नहीं जा रहे हैं, और अब तो वो अगर 100 सीट देके बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की। वकील हैं हम और पढ़े लिखे हैं, सहयोग की भावना में और तंज में, तंज की भाषा को समझते हैं। राजभर का सम्मान करते हुए आजाद ने कह दिया कि वो राजभर की सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारेंगे और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट पर, लेकिन बाकी सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। एक साथी हमारे वहाँ है जिन्होंने कहा कि मैं अपने हिस्से की 2 सीट दे दूंगा। मैं उनको ये वादा करता हूँ कि जिस सीट से वो लड़ेंगे, आजाद समाज पार्टी वहाँ प्रत्याशी नहीं उतारेगी, मैं उनका समर्थन करूंगा। मेरी लड़ाई RSS और भाजपा से थी, उनसे तो कभी थी नहीं। और भी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ लड़ेंगे, मैं वहाँ भी उनका समर्थन करूंगा, मैं उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारूंगा। मेरी लड़ाई जो है वो बहुजन समाज के लोगों से नहीं, वो RSS BJP के लोगों से है, और मैं उसको लड़ूंगा। आजाद ने अखिलेश के सामाजिक न्याय की समझ पर भी कटाक्ष किया। हम सामाजिक न्याय जानते भी हैं और पहचानते भी, और इसी में पैदा हुए हैं। हमारे नेता माननीय काशीराम और डॉक्टर अंबेडकर दोनों हैं, हमने लड़ाई लड़ी है और इतिहास गवाह है। दलितों ने कभी इतना इस देश को धोखा दिया, इतना अपमान सहने के बाद, जाति सहने के बाद, और ना ही किसी और को धोखा दिया। जब माननीय काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया तो धोखा किसने दिया, क्या आप मुझे बता देंगे? तो हमारे चरित्र में धोखा नहीं है, हमने धोखा ना दिया ना देंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, उनसे मेरी लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई है BJP से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक नौजवान हूँ ना, तो वो सारी बातें दिल पे ले जाता हूँ। तो धोखे के बाद अपनी बात रखी, अब अपनी लड़ाई लाइन खींच के लड़ेंगे। लोकतंत्र में जो भी दल आया है वो अपनी हिस्सेदारी के लिए आया है, और कोई किसी को जिताने हराने, सब लोग जीतने आए हैं, तो हम लोग जीतने के लिए मैदान में आए। जिसको नुकसान फायदे की परवाह थी, उस चंद्रशेखर ने बहुत परवाह कर ली। इतना झुकाव तो चंद्रशेखर ने तब भी नहीं लिया जब उसके जीवन पे भी, जो है ना, जीवन रक्षा पे भी बात आई थी, तब भी उसने इतना झुकाव नहीं लिया। ये लड़ाई सिर्फ जो है लोकतंत्र बचाने की और उत्तर प्रदेश बचाने की थी, क्योंकि नेताजी चुनाव के बाद अगर सरकार नहीं बनेगी तो लगा के EVM पे आरोप, घर में बैठ जाएंगे सारे नेता, सड़क पे सिर्फ चंद्रशेखर आजाद दिखाई देगा अगले 5 साल भी आपको। अब रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन मंजिल तक कौन पहुंच पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज बीक। अखिलेश यादव और आजाद के बीच लंबे समय से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। अखिलेश BJP को हराने के लिए महागठबंधन बना रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जिस गठबंधन में यूपी की 21% दलित आबादी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, वो गठबंधन सामाजिक न्याय की गारंटी कैसे देगा? सवाल तो ये भी उठता है कि जिस अखिलेश यादव ने दलितों का डिमोशन किया था, महापुरुषों के नाम पर बने जिलों के नाम बदल दिए थे, उसी अखिलेश पर यूपी की दलित आबादी भला भरोसा कैसे करेगी? वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि अखिलेश आजाद को इसलिए भी गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते क्योंकि वो बहन जी को नाराज नहीं करना चाहते। चुनाव के बाद अगर गठबंधन की सरकार बनी तो अखिलेश बसपा के साथ जाने की गुंजाइश रखना चाहते हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने आजाद को अपने साथ नहीं लिया। लेकिन अब आजाद अकेले ही मैदान में उतर चुके हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर ये है कि अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को एक चैलेंज दिया है। अखिलेश यादव योगी को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। आज अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को अपने जीन्स यानी गुणसूत्र की जांच कराने का ओपन चैलेंज दे दिया है।
अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को दिया ओपन चैलेंज। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीन्स ऐसे हैं। गुणसूत्र चेक कराने की दी चुनौती। तो मैं तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी हमारा आपका दोनों का सैंपल ले लो, जीन्स चेक कर लो किसके कैसे हैं। अखिलेश यादव ने आज फिर योगी आदित्यनाथ पर जबरदस्त वार किया। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को अपने अपने जीन्स यानी गुण सूत्र की जांच कराने की खुली चुनौती दे डाली। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीन्स इनके ऐसे हैं, याद है या नहीं याद है? अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीन्स ऐसे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी हमारा आपका दोनों का सैंपल ले लो, जीन्स चेक कर लो किसके कैसे हैं। हमारा भी सैंपल भेज दो डॉक्टर, हम भी दे रहे हैं, अपना भी सैंपल दे दो। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने 22 दिसंबर को जी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा था कि भेदभाव करना हमारे जीन्स में नहीं है, हमने पीएम मोदी से सिर्फ एक ही मंत्र सीखा है, सबका साथ और सबका विकास। योगी के इस बयान के बाद यूपी में गुड जीन्स और बैड जीन्स की डिबेट शुरू हो गई। बीजेपी वाले योगी के बयान के हवाले से विरोधियों पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब अखिलेश ने योगी को साफ साफ कह दिया कि महाराज सैंपल भेजिए और चेक कराइए। अब सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ अपने बयान पर कायम रहेंगे और जांच के लिए अपना सैंपल भिजवाएंगे। गुणसूत्र या क्रोमोजोम सभी वनस्पतियों और जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो अनुवांशिक गुणों को निर्धारित और संचारित करने के लिए जाने जाते हैं। यानी हमारे माता पिता से हमें जो वंशानुगत गुण या दोष मिलते हैं वो क्रोमोजोम्स के कारण ही होता है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के जीन्स पर निशाना साधा था, लेकिन अब ये बयान उन पर ही भारी पड़ सकता है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरी खबर यह है कि मायावती के पढ़कर बोलने पर तंज कसने वालों की बोलती बंद हो गई है। बहुत से लोग बीएसपी अध्यक्ष मायावती के पढ़कर बोलने पर तंज कसते हैं और नरेंद्र मोदी के फर्राटेदार भाषण का जिक्र करते हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का ये भेद भी खुल गया है। मोदी का सबसे बड़ा राज खुल गया। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, उठ गया पर्दा, सारी दुनिया को पता चल गया। मायावती के पढ़कर बोलने पर तंज कसने वालों की बोलती बंद। क्लास अब ठीक से सुना रहा है? मोदी ने करवा ली जड़ हसाई और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। कैमरे के सामने गिटपिट बोलने वाले नरेंद्र मोदी के साथ एक हादसा हो गया है। हादसे में शारीरिक चोट तो नहीं आई, लेकिन उनकी इमेज पर जबरदस्त डेंट लग गया है। अब ये भेद खुल गया कि नरेंद्र मोदी रैलियों से लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन तक में जो फराटेदार भाषण देते हैं वो सब टेलीप्रॉम्प्टर का कमाल है, लेकिन जब टेलीप्रॉम्प्टर दगा दे जाए तो शेर भी भीगी बिल्ली बन जाता है। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मोदी के साथ क्या हुआ। सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी इस बुके में है। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस सामने लिखा हुआ जैसे ही बंद हुआ पीएम मोदी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आगे क्या बोलना है, वो अपने भाषण को संभाल तक नहीं पाए, बस इतना पूछने लगे कि उनकी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं। लेकिन ये सवाल भी उन्होंने किसी के कहने पर पूछा था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो है उसमें ये सुना जा सकता है कि आप उनसे पूछिए सब जुड़ गए हैं क्या। इंडियंस, हम भारतीयों का टैलेंट, देयर टैलेंट, जिस तरह उनसे सब पूछे सब जुड़ गए क्लास अब ठीक से सुना रहा है? आर यू एबल टू हियर मी मिस्टर शॉप?
Yes, I hear you, Mr. President. As well? Are you able to hear the translation in English? I hear you very well, and I would suggest that we start the official. अब नरेंद्र मोदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिक्कत इस बात से नहीं कि नरेंद्र मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर बंद होने से वो बोल नहीं पाए, असल में दिक्कत ये दिखाने में है कि साहब तो बिना पढ़े ही फराटेदार भाषण देते हैं। दिक्कत पढ़कर बोलने में नहीं है, बल्कि दिक्कत ये दिखाने में है कि साहब तो अवतारी पुरुष हैं, कहीं भी कभी भी एकदम चोर से बोलते हैं, ना हकलाते हैं, ना रुकते हैं, ना किसी शब्द पर वो उलझते हैं, बल्कि चेन्नई एक्सप्रेस की तरह सुपर फास्ट रफ्तार से अपनी बात रखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वही सच है, सामने सब कुछ लिखा होता है, आप रिमोट से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं साधारण आदमी हूँ इसलिए अपना रिमोट अपने हाथ में रखता हूँ, मोदी बड़े आदमी हैं इसलिए उनका रिमोट कोई और चलाता है, भाषण भी कोई और ही लिखता है, फिर उस लिखे हुए को टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से सामने रख देता है। एक टेलीप्रॉम्प्टर लेफ्ट में होता है और एक टेलीप्रॉम्प्टर राइट में। टेलीप्रॉम्प्टर को ऐसे लगाया जाता है कि मोदी आसानी से लेफ्ट राइट करते हुए पूरा भाषण पढ़ सकें। कैमरे भी ऐसे लगाए जाते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर दिखाई भी ना दे, फिर पीएम मोदी टीवी पर लाइव आते हैं और खूब दहाड़ दहाड़ कर बोलते हैं। देखने वालों को पता ही नहीं चलता कि असली खेल क्या है, टेलीप्रॉम्प्टर बेचारे को कोई क्रेडिट नहीं मिलता, सारा क्रेडिट अपने मोदी जी ले जाते हैं। खैर, पढ़कर बोलने में कोई समस्या भी नहीं है, पढ़कर बोलना ज्यादा आसान होता है, आपकी जबान पर लगाम रहती है, आप ऊट पटांग की कोई बात नहीं बोलते और जो कहना है वही आसानी से बोल देते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी ऐसा करती हैं, वो अक्सर अपनी रैली में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पन्ने पर लिखे भाषण को पढ़कर बोलती हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं करती, वो मोदी की तरह मायावी जाल नहीं बनाती, वो मोदी की तरह दुनिया को ये नहीं दिखाती कि मुझे सब कुछ आता है, मैं बिना पढ़े बोलती हूँ, मैं कभी नहीं अकलाती, मैं बिना किसी शब्द पर रुके सीधे फराटेदार बोलती रहती हूँ। मायावती टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा नहीं लेती, वो सीधे सीधे लिखा हुआ पढ़ देती हैं, एकदम साफ सपाट बिना किसी लाग लपेट के। मायावती ये नहीं सोचती कि दुनिया उनके बारे में क्या कहेगी, लेकिन मोदी ऐसा जरूर सोचते हैं और पढ़कर बोलने की कला को छुपाए रखते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते। हालांकि मायावती पहले भी ये साफ कर चुकी हैं कि वो पढ़कर इसलिए बोलती हैं क्योंकि उनके गले में गंभीर समस्या है, उनके गले का ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टरों ने उन्हें जोर से ना बोलने की सख्त सलाह दी है, लेकिन फिर भी भक्तों को मायावती का पढ़कर बोलना नजर आ जाता है, वो मायावती पर ओछे कमेंट करते हैं लेकिन अपने अवतारी पुरुष की लीला पर तालियां बजाते हैं। मैं इस वक्त भी पढ़कर ही बोल रहा हूँ और न्यूज चैनल्स में भी ऐसे ही काम होता है, मीडिया में इसी तरह हम खबरें पढ़कर बोलते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी छवि चमकाने के लिए ये दिखावा करने लगूं कि मैं बिना पढ़े बोलता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तो वो गलत होगा। इस खबर के बाद बहन जी को कोसने वालों को जवाब जरूर मिल गया होगा। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चौथी खबर ये है कि अखिलेश ने शुरू किया है नाम लिखाओ अभियान। अखिलेश यादव ने कल हाथ में चावल लेकर अन्न संकल्प लिया था और आज नाम लिखाओ अभियान शुरू कर दिया। अखिलेश ने यूपी की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है और उसके लिए उन्होंने सरकार बनने से पहले ही नाम लिखवाने का अभियान शुरू कर दिया ताकि सरकार बनने पर वो नाम लिखवाने वालों को मुफ्त बिजली दे सकें। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं, और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं।
अब सरकार किसकी बनेगी ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव यूपी की जनता को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सपा की सरकार बन रही है और जैसे ही सरकार बनेगी आपके जो 300 यूनिट बिजली का वादा किया है वो पूरा हो जाएगा, आपको बिजली मुफ्त मिलने लगेगी। लेकिन वाकई में क्या होता है वो तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन नतीजे आते हैं। पांचवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। पांचवीं खबर ये है कि अखिलेश ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर साठगांठ का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने आज चुनाव आयोग का नाम लिए बिना ही बीजेपी और चुनाव आयोग में साठगांठ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले ही खुद को डिजिटल कर लिया क्योंकि उसे पता था कि रैलियां नहीं होंगी। इस मुद्दे को हम जनता के बीच में और घर घर जाना चाहते हैं। हमारे प्रत्याशी आज कैसे प्रचार करेंगे जहां इतने नियमों का पालन करना है, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं। हमारी कोशिश है कि जैसे ही पाबंदियां हटें, नियम बदलें, मैं समाजवादी विजय रथ की अनुमति मांगू और खाली अकेले ही चलना पड़े उसके लिए भी अनुमति मांगूंगा। भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि चुनाव कैसे होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पता रहा होगा कि चुनाव कैसे होने जा रहा है, इसीलिए वो डिजिटली बहुत साउंड अपने आप को करके और पहले से उन्होंने तैयारी कर ली। दूसरे दलों को जब चुनाव आयोग ने कहा है तो वो तैयारी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जानकारी में था कि डिजिटली चुनाव होने जा रहा है या इस तरीके से प्लेटफॉर्म्स पर रहकर ही चुनाव होगा। जिस तरह से चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगाई है उसे देखते हुए तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में भी कोई ढील नहीं मिलेगी। फिलहाल 22 जनवरी तक फिजिकल रैलियों पर रोक लगी हुई है और सारा चुनाव प्रचार, ज्यादातर चुनाव प्रचार जो है वो डिजिटल हो रहा है और डिजिटल के प्रचार के मामले में बीजेपी जो है वो जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। छठी खबर ये है कि बसपा को 10 छोटे दलों ने समर्थन दिया है। बहुजन समाज पार्टी को यूपी के 10 छोटे छोटे दलों ने समर्थन दिया है। इन दलों के नेताओं ने बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा से मुलाकात कर बीएसपी को चुनावी समर्थन देने का ऐलान किया। इनमें इंडिया जनशक्ति पार्टी, 85 परिवर्तन समाज पार्टी, विश्व शांति पार्टी, संयुक्त जनादेश पार्टी, आदर्श संग्राम पार्टी, अखंड विकास भारत पार्टी, सर्वजन आवाज पार्टी, आधी आबादी पार्टी, जागरूक जनता पार्टी, सर्वजन सेवा पार्टी शामिल हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आदरणीय बहन मायावती जी के विकासशील विचारों से प्रेरित होकर बीएसपी इंडिया को 10 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है। वह सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने और कार्य करने का संकल्प लिया है। बसपा का बढ़ता जनाधार। चुनावी मौसम में बसपा भी अपना कुनबा मजबूत करने में जुटी हुई है। चुनाव में हर वोट की कीमत होती है, इसलिए जितने लोग भी साथ आ जाएं उतना ही अच्छा होता है। इसलिए बसपा भी इस तरह के जो छोटे मोटे दल हैं उनको अपने साथ मिलाने में लगी हुई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सातवीं खबर ये है कि मोदी ने कार्यकर्ताओं से डोनेशन मांगा है। पीएम मोदी ने वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया और बीजेपी को डोनेशन देने की अपील की। हम हर बूथ के अंदर एक कॉम्पिटिशन करें और आने वाले 15 दिन के अंदर कर ले, 30 जनवरी के पहले कर ले। और कंपटीशन क्या हो, हमें मालूम है कि नमो ऐप पर भारतीय जनता पार्टी का एक माइक्रो डोनेशन, सूक्ष्म दान का अभियान चल रहा है। 5 रुपया भी आप पार्टी को दान दे सकते हैं। ये अपने आप में एक संस्कार भी है, संगठन की शक्ति भी है। क्या हम पोलिंग बूथों के बीच में एक स्पर्धा आयोजित कर सकते हैं कि कौन पोलिंग बूथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से माइक्रो डोनेशन करवा सकता है? बीजेपी को साल 2019-20 के दौरान व्यक्तिगत दान, चुनावी ट्रस्ट और कॉरपोरेट घरानों से कुल 785 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला था और बीजेपी को भर भर के चंदा मिलता रहता है क्योंकि ज्यादातर राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो बहुत सारे जो कॉरपोरेट घराने हैं वो उनको भर भर के चंदा देते रहते हैं। नेताओं की इनकम भी सैकड़ों गुना बढ़ गई है जो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी जो हैं वो गरीब से, उसकी जेब से 5-10 रुपए निकलवाने की बात कर रहे हैं।
ये जो है थोड़ा सा एक चुनावी स्ट्रेटेजी की तरह है कि उन लोगों को पार्टी से कनेक्ट किया जाए और उनके जो वोट है उसके बदले में उनसे नोट मांगकर ये बताया जाए कि आप पार्टी के अहमियत रखते हैं, आप पार्टी के लिए अहम हैं और आप अपना वोट और नोट हमें दीजिए। तो एक चुनावी स्ट्रेटेजी है, लेकिन सवाल उठता है कि भाई गरीब को और क्यों लूट रहे हो। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आठवीं खबर ये है कि बीजेपी के लिए मुफ्त बांटी जाएंगी साड़ियाँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार जिताने के लिए सूरत के भाजपा समर्थक व्यापारियों ने एक अनोखी साड़ी बनाई है। इन साड़ियों के जरिए बीजेपी का प्रचार किया जाएगा। खासकर पूर्वी और पश्चिमी यूपी में महिलाओं को ये साड़ियां दी जाएंगी। करीब 1,00,000 साड़ी जो है वो सूरत से यूपी भेजी जाएंगी और 50,00,000 साड़ी का कैटलॉग बनाया जाएगा। यानी अभी जो यूपी में चुनाव होने वाले हैं तो महिलाओं को भर भर कर साड़ियां वहां पर दी जाएंगी बीजेपी की ओर पर। और इंटरेस्टिंग सी चीज इसमें यह है कि साड़ी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होगी, उसके साथ में कमल का फोटो भी लगा होगा जो कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। तो इसके जरिए वो प्रचार किया जाएगा। बीजेपी के लिए वैसे सब कुछ माफ है, उसे अपने वोट खरीदने की कोशिश नहीं है। ये कि आप इसे कहें कि बीजेपी वोट खरीद रही है, क्योंकि वैसे भी बीजेपी जो है वो वोट नहीं खरीदती, वो सीधे विधायक ही खरीद लेती है। अगर उनकी ज़रूरत होगी तो वो सीधे विधायक खरीद लेते हैं। लेकिन देखिए, अभी पहली खबर, इससे पहले जो हमने खबर पढ़ी थी उसमें वो गरीबों से 5-10 रुपये मांग रहे थे और अब यहाँ पर वो जो हैं सीधे सीधे साड़ियाँ बांटने की बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए पैसा किसके पास है, कौन पैसे का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नौवीं खबर ये है कि अर्चना गौतम का गुस्सा फूट पड़ा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मेरठ जिले की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अर्चना गौतम को टिकट दिया है। इसे लेकर सियासी माहौल जो है वो काफी गर्म है। दरअसल इस सरगर्मी के पीछे कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम की एक वायरल तस्वीर है। काफी सारी उनकी तस्वीरें इस तरह की वायरल हो रही है जिसमें वो बिकनी में नजर आ रही है। इसकी वजह से अर्चना गौतम खासकर हिंदू महासभा के निशाने पर आ गई है कि ये देखिए हस्तिनापुर जो है धार्मिक सीट है तो इसको टिकट क्यों दिया कांग्रेस ने। इस तरह की बयानबाजी लगातार हो रही है, उनको सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। इस पर अर्चना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग उनके पेशे और राजनीतिक करियर को मिक्स न करें। उन्होंने कहा कि मथुरा में भी तो हेमा मालिनी को लोगों ने जिताया था। अर्चना गौतम पेशे से मॉडल हैं और 2018 में मिस बिकिनी इंडिया रह चुकी हैं। उन्होंने मिस कॉस्मोस वर्ल्ड 2018 प्रतियोगिता में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अर्चना 2018 में मोस्ट टैलेंट की उपविजेता भी रही थी। एक न्यूज चैनल से बातचीत में अर्चना गौतम ने कहा कि मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि जो बोल रहे हैं कि हस्तिनापुर जैसी पावन नगरी से मुझे टिकट दिया गया तो मथुरा जैसी पावन नगरी में हेमा मालिनी को भी जिताया था ना, मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि वह हेमा मालिनी है और उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। मैंने छोटे छोटे हीरो के साथ या साउथ की फिल्में की हैं इसलिए सवाल उठाया जा रहा है, या फिर मैं दलित समाज से आती हूं इसलिए। आखिरी लाइन पर भी आपको गौर करना चाहिए कि अर्चना गौतम दलित समाज से आने वाली हैं, संपन्न दलित परिवार से आने वाली हैं, मॉडलिंग के पेशे में हैं, मिस बिकिनी रह चुकी हैं, तो इसलिए भी उन पर निशाना साधा जा रहा है। और सवाल उठता है कि क्या दलितों को सिर्फ वो दीनहीन दबे कुचले हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने वाले तस्वीरों में ही देखना चाहते हैं? क्या उनको अर्चना गौतम जैसे दलित जो कि जो आधुनिकता के जो पैमाने होते हैं उसके लिहाज से वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, क्या उनको वैसी दलित महिला एक नेता उनको पसंद नहीं है? ये अपने आप में सवाल जरूर उठता है। और उनके पेशे को उनकी अभी राजनीतिक करियर से जोड़कर जिस तरह की फूहड़ बयानबाजी हो रही है वो बेहद शर्मनाक है। बहुत सारे अभिनेता नेता जो हैं वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हेमा मालिनी को आप लीजिए, उनके बेटे सनी देओल को देखिए, वो भी जुड़े हुए हैं, जया प्रदा भी रही हैं। बहुत सारे लोग बॉलीवुड से सियासत में आते रहे हैं, लेकिन खासकर इस तरह से महिलाओं पर अभिनेत्रियों पर कमेंट करना फूहड़ता के सिवा कुछ भी नहीं है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दसवीं खबर यह है कि टिकट कटने पर रोने लगे भाजपा नेता। मथुरा से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे एसके शर्मा टिकट नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। एसके शर्मा ने आरोप लगाया कि पार्टी में राम नाम की लूट मची है, कोई विचारधारा नहीं है, ईमानदारी तो कोसों दूर हो गई है, इसलिए मैंने त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को मजबूत बनाने के लिए मैंने अपना सर्वस्त्र न्योछावर कर दिया, तन मन धन स्वाहा हो गया, लेकिन फिर भी मुझे टिकट नहीं दिया। अब देखिए, बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो सबको जो पार्टी के लिए काम करने वाला है उसका सम्मान होता है, लेकिन एसके शर्मा को बेचारे को ये कह रहे हैं मैंने तन मन धन सब कुछ दे दिया, स्वाहा हो गया, लेकिन फिर भी मुझे टिकट नहीं मिला, और वो बेचारे रोने लगे। तो उनका दर्द जो है
है वो बीजेपी नेताओं को समझना चाहिए। कहा हालांकि मथुरा से जो है यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये थी आज के दिन भर की 10 बड़ी खबरें और थोड़ा सा उनका सियासी महत्व हमने आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जो खबरें हैं जैसी खबरें हैं उनको वैसा ही आप तक पहुंचाया जाए बिना किसी लाग लपेट और गुना भाग के, और वो काम हम लगातार यूपी किसकी सेगमेंट के जरिए कर रहे हैं। इन खबरों के बारे में, इस विश्लेषण के बारे में आपका क्या कहना है, क्या आप सोचते हैं कमेंट में लिखें, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, यूपी किसकी सीरीज में क्या बदलाव करने चाहिए, क्या कुछ नया करना चाहिए, उस पर भी आप अपनी राय लिखें, हम पढ़ते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। तो ये था आज का खास वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही घंटी का बटन दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं साथियों।